नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र अवस्थी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। कुछ देर में शुरू होगी यूपी बोर्ड के रद्द हुई पेपर की परीक्षा। 24 जिलों में सुबह 8 बजे से ये परीक्षा होगी और 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था। आगरा, गाजियाबाद और बागपत में रद्द हुई थी परीक्षा। इसके अलावा मथुरा, अलीगढ़ में भी परीक्षा रद्द हुई थी। तो 24 जिलों में सुबह 8 बजे से परीक्षा प्रारंभ होगी, यानी कि 2 मिनट के बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी। सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आज सुबह 8 बजे से अंग्रेजी की परीक्षा होनी है 24 जिलों में जहां पर पेपर लीक हुआ था, इंतजाम इस बार किस तरह के किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, पेपर लीक मामले के अंदर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई थी। सरकार ने खुद इस पूरे मामले को लेकर कड़े कदम उठाए थे। उसके बाद आज का दिन यानी कि आज 13 तारीख को डिसाइड किया गया था, जो पेपर लीक हुआ था 24 जिलों के अंदर वो आज परीक्षा कराई जाएगी। और इंटरमीडिएट का जो 12th का पेपर है वो सुबह 8 बजे पहली पाली के अंदर शुरू होगा। जो बच्चे हैं वो उत्साहित हैं, क्योंकि जो पेपर लीक हो गया था उसके बाद बच्चों को कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि पेपर कब होगा, किस तरह की तैयारियां होंगी। तो तैयारियां इस बार पूरी की गई हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पेपर लीक ना इस बात का खासा ध्यान रखा गया था और सतर्कता पहले से ज्यादा इस बार रखी गई है। और वेबकास्टिंग के थ्रू मॉनिटरिंग की जा रही है। जो 24 जिले हैं जहां पर आज पेपर होना है, तो एहतियात के तौर पर सभी कड़े कदम उठा लिए गए हैं और पेपर अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। जो सेंटर्स हैं सभी जगह, जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। जी हिमांशु, बच्चों के लिए कोई गाइडलाइन निर्देश इसको लेकर, परीक्षा को लेकर? देखिए, बच्चों के लिए कोई गाइडलाइन अलग से नहीं निर्धारित की गई है। जो पहले से पेपर चलते आए हैं उसी के तहत गाइडलाइन है कि कोई भी बच्चा सेंटर पर अपने जो गैजेट्स हैं वो नहीं लेके आएंगे, मोबाइल फोन्स नहीं लेके आएंगे। जो गाइडलाइन पहले तय की गई थी उन्हीं गाइडलाइन का पालन बच्चों को करना है और तय समय से परीक्षा देने के लिए सेंटर्स पर पहुंचना है। क्योंकि इसको लेकर व्यापक स्तर पर सरकार द्वारा प्रचार भी किया गया था। जिनका एग्जाम कैंसिल हो गया था इंग्लिश का, उसको लेकर ताकि पेरेंट्स तक ये बात पहुंच सके और जो नई तारीख डिसाइड की थी यानी आज की, वो बच्चों को पता चले, उसको लेकर पहले से ही जो व्यापक स्तर पर लोगों को बताया गया था, पेरेंट्स को और बच्चों को बताया गया था। तो बच्चे भी उत्साहित हैं और बच्चे तैयार हैं इस बार पेपर देने के लिए और आशा है कि आज का जो पेपर है वो सही तरह से बच्चे देंगे और पूरी जो परीक्षा है यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की वो सही तरह से आज संपन्न हो जाएगी। जी हिमांशु, पिछली बार जैसे की लापरवाही हुई थी, जो है परीक्षा रद्द हो गया था पेपर लीक होने की वजह से, उस तरह की लापरवाही फिर से ना हो, नकल विहीन परीक्षा हो, उसको लेकर इस बार क्या कुछ खास तरीके से इंतजाम किए गए? देखिए, नकल विहीन परीक्षा को लेकर सरकार अलर्ट है। पहले इस बात के दिशा निर्देश दिए गए थे, अगर इस तरह की लापरवाही या चूक होगी तो अधिकारी जो है उन पर गाज गिरना तय है। जो हमने देखा भी था जब पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर बदायूं के जो शिक्षाविद हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था, जो वहां के अधिकारी हैं उन पर गाज गिरी थी। तो सख्त निर्देश सरकार ने दिए थे। नकल विहीन परीक्षा कराने का उद्देश्य सरकार का है और उसी को पूर्ण करने के लिए परीक्षा को रद्द भी किया गया था। क्योंकि जब पता चला था कि इंटरमीडिएट का जो अंग्रेजी का पेपर है वो लीक हो गया है और 24 जिलों तक उसकी कॉपियां पहुंच गई थी, जिसके बाद सभी 24 जिलों के अंदर तत्काल प्रभाव से परीक्षा को रद्द किया गया था और नई तारीख यानी आज 13 तारीख डिसाइड की गई थी कि इंटरमीडिएट का जो अंग्रेजी का परीक्षा है वो आज के दिन निर्धारित की जाएगी और पहली पाली के अंदर ये परीक्षा होनी थी। तो नकल विहीन परीक्षा के उद्देश्य से ही सरकार ने पहले पेपर रद्द किया था और आज उसी का परिणाम है कि 13 तारीख यानी आज सफलतापूर्वक जो परीक्षाएं हैं इंटरमीडिएट की वो पूर्ण हो जाएंगी और उसके बाद इंतजार होगा बच्चों का परीक्षाओं के परिणाम का। जी ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, सुबह 8 बजे से यह परीक्षा शुरू होनी थी। सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए हैं, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी जाएगी, वेबकास्टिंग कई परीक्षा केंद्रों की कराई जा रही है।